आवर यूट्यूब चैनल फाइनली यहां पर बिग अपडेट निकल कर सामने आ रही है। शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी खबर है कि 27 से 29 सितंबर के बीच रिजल्ट आएगा। अभी फिलहाल एक सप्ताह के लिए देरी होगी रिजल्ट में प्राथमिक तैयारी वालों के लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पर बीपीएससी ने 90% रिजल्ट जो है वह से तैयार कर लिया है, बट 10% अभी तैयार करना बचा हुआ है, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है। आयोग का कहना है कि यहाँ पर सीटेट का रिजल्ट जैसे ही आती है, सीटेट के रिजल्ट के बाद में जो है आपका यहाँ पर बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक का रिजल्ट घोषित होगा। 28 सितंबर को सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। आने के बाद में यहाँ पर सीटेट वालों जितने भी अपेयरिंग में थे उनको भी बिग अपडेट निकल कर सामने आ रही है। 28 तारीख को सीटेट का एग्ज़ाम आने वाली है, उसके बाद में 27 से 29 सितंबर के बीच हाई स्कूल प्लस टू का रिजल्ट घोषित हो जाएगा 27 से 29 के बीच में। उसके बाद में एक सप्ताह का देरी होगा। क्यों? 28 सितंबर को सीटेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में जो है 28 सितंबर को सीटेट का रिजल्ट आने के बाद में 28 से 30 सितंबर तक प्राइमरी का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो ये आपको बिग अपडेट है कि इसी मंथ के लास्ट तक आपका रिजल्ट घोषित होगा। हालांकि मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपको A to Z बताया था कि OMR सीट भी रेडी हो चुकी है, 90% सीट जो है कंप्लीट कर ली गई है, 10% रिजल्ट बचा हुआ है वो सिर्फ सीटेट वालों के लिए बचा हुआ है, क्योंकि सीटेट में जो भी बच्चे अपेयरिंग हैं और यहाँ पर डीएलएड में जो अपेयरिंग थे वह उनका तो रिजल्ट डीएलएड वालों को आ चुका है, कल ही के डेट में आया है, और सीटेट का रिजल्ट जो है आना बाकी है। तो सीटेट का रिजल्ट जैसे ही घोषित होता है 28 तारीख को, उसके बाद 29 से 30 तारीख को आपका बीपीएससी टीआरई का प्राथमिक का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद में 1,00,000 बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड करने के बाद में आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा टोटल 1,00,000 बच्चों का, ठीक है ना। तो 1,00,000 में अगर आपका नाम आ जाता है तो समझिए आपका यहाँ पर फिक्स है। और आपको मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है, क्योंकि 1,00,000 बच्चे जो ले रहे हैं उसमें 20,000 स्टूडेंट को ज़्यादा बुलाया जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे को दिखते आएगी और जो अपेयरिंग है जो यहाँ पर जो क्वालिफाइंग नहीं किए होंगे अपेयरिंग में उनको ये सब देखते हुए हटाया जाएगा, और इस तरीके से 80,000 सीटों पर पूरा फुलफिल किया जाएगा। तो यहाँ पर बिग अपडेट निकल के सामने आ रही है। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप मिलान कर लिए होंगे, अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो त्रुटि हो तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ज़्यादा मेजर केस है, कहीं नाम में मिस्टेक है, मेजर केस है या कुछ इधर से उधर अपलोड हो गया है, तो फिर वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करना होगा, ये एफिडेविट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। बट कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ है तो उसमें कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली बात नहीं है, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा और बहुत ही जल्द रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, ये अपडेट निकल के सामने आया है इसलिए मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का इन्फॉर्मेशन मिल सके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चलो तो लाइक कीजिए, किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला हर वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।